बात मतलब है कि पीटीवी पर भी आपके सामने वही क्या अशर हुआ, पार्लियामेंट का क्या अशर हुआ, या पार्लियामेंट का इजलास और बकाया हमारी केपी वाले बदकिस्मत की उसकी पूरी कैबिनेट या आके कंटेनर पर हुआ करते थे। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वही जो एपीएस का वाकया हुआ तो उसकी पूरी पूरी वजरा और बशमूली चीफ मिनिस्टर याद है, वही कोई थे ही नहीं। तो ये हमें कोई नई बात नहीं है, हमें अपने गरेबानों में देखना चाहिए कि हमने माजी में क्या किया। दोबारा उन लोगों ने प्लान बना दिया कि जाओ इस्लामाबाद को फतह करो, इस पर हमला करो, और वही से दोबारा वही लोग निकले, और इसके लिए वो भी पूरी कौम के सामने, वो तो अपनी जगह जो कुछ हो गया। और इसके बाद 9 मई वाली बात जो करते, मैं हैरान हूँ कि 9 मई वाली बात आप करते, क्यों 9 मई का वाकया पेश है, क्यों आपने कहा दी कि पूरे पाकिस्तान से आप निकल जाए, सबको मफलूज बनाए, हर जगह किसी को हिलने नहीं दिया जाए, हर एक चीज़ का ईंट से ईंट बजा दिया जाए। ये तो हम सारे पाकिस्तानी देख रहे थे, कोई नई बात नहीं थी। मैं हैरान हूँ ये बात करते, मेरा ताल्लुक केपी से, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वही रेडियो पाकिस्तान पर जो हमला किया गया उसमें से कौन से लोग थे, कौन मुलविस थे, कोई बाहर से आए हुए थे, वो सारे उनके वर्कर्स नहीं थे, सबकी वीडियोज़ भी है सारे सामने। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वही टूल प्लाजा चकदरा में जिसको जिसको जला दिया गया, जिसको जला दिया गया तो वही लोग कहाँ से आ गए थे और कौन से लोग थे। और मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बार बार बात होती है तो वही डी स्काउट्स के दफ्तर के अंदर जो लोग घुस गए, कौन से लोग थे और उसका क्या कसूर था। अमीर मुकाम साहब, एजुकेशन प्लीज प्लीज प्लीज, मरवा साहब आपकी स्पीच का भी टाइम आएगा, आप तशरीफ रखें। मरवा साहब प्लीज आप बैठ जाएं, आप अपनी स्पीच में बात करिएगा ना, आप अपनी स्पीच में बात साहब आपके साथ जो कुछ अपनी स्पीच में बात, आपके उस दबदबे में रहे, प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ, अच्छा प्लीज आप तशरीफ रखिए, ये सबके साथ मेरी बात मान ले, इस तरह कोई नई बात नहीं। मुझे आप भी वाइंड अप कर लें, ये हौसला होना चाहिए कि दूसरी की बात सुने, हम तो आपके सारे बातें सुनते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, तो क्या आपकी सारी वो सच है और उसके साथ कोई ताल्लुक है। इसी तरह अगर जीज के ऊपर लोग गए, वही कहीं से गए, और वही आप लाहौर में देखे, पूरे पाकिस्तान में देखे, तो पाकिस्तान की आवाम की क्या कसूर थी। अगर एक बंदे पर 100 मुकदमात है और उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी ये मैसेज देना है कि उसको हाथ ही नहीं लगाना, उसको गिरफ्तार ही न करे, यही अफसोस की बात है। इस तरह बातें करना बार बार, और इसका ये बनाए उसका ये बनाए, ये दूसरे चीज़ों के साथ लिंक नहीं करने चाहिए कि दूसरे के साथ लिंक करे, ये वो है। 9 मई में जो हुआ अगर इन लोगों को भी माफ़ कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी गुनाह है और कोई बात नहीं, फिर तो सारा सिस्टम इसी तरह होगा कि ये इस मुल्क में दहशतगर्दी करे और सब कुछ करे, खैर कोई बात नहीं। वाइंड अप कर लें फिर सबके टाइमिंग का मसला आएगा। मैं आगे जाते हुए दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर था, सबके फ्लाइट्स कैंसिल, मरीज सारे एम्बुलेंस में मर गए, सारे रोड और सड़कें बंद हो गए, तो इस तरह बात ये उनके सामने। दूसरी ये बात करते हैं, हम उनको सुनते हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है। मुझे याद, आपको याद कर, आपको अपनी हाफिज़ा ज़रा मजबूत कर लेना चाहिए। विक्टिमाइजेशन वो भी याद करे कि इसकी इब्तिदा भी आपने की है। विक्टिमाइजेशन तो हमें वो दिन भी याद है कि मैं अगर फरियाल तालपुर से शुरू करूँ कि अस्पताल से उठा के और रात के 12 बजे लेकर उसको जाना, वो भी हमें याद है। अगर मैं वही शुरू करूँ कि मरियम बीबी होटल में थी और वही चापा मार कर और वही जाकर और जो कुछ हुआ आप सबके सामने, मुझे वही भी याद है कि राणा सनाउल्ला यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी गाड़ी को जिस तरह पाउडर से और इससे भर दिया गया कि यार ये आप इसमें मुलविस है और आप जेल की कोठरी में बन जाओ। मेरे साथ ये
अनीफ अब्बासी बेटा है, उसका केस भी मुझे याद है कि इसकी उसका कौन सा जुर्म था कि उसको वही काली कोठरी में बंद करे। अगर मैं खुद आपको अपना कहता हूँ, मेरा केपी से ताल्लुक है कि मेरे साथ क्या हुआ वो एक लंबी दास्तान है। मेरे एक छोटे बेटे को जो लंदन से पढ़ कर आया, उसको पहले रोजे पर बगैर किसी जुर्म अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया गया। आज तक बेचारा जीनी मरीज है, ठीक हो ही नहीं रहा है कि वही से पढ़ कर आए और वही से मंजूरी हुई कि उसको डाले जेल में बंद करे। कितनी इंतकामी कार्रवाई हुई, हर एक बंदे के साथ हुई। यह मेरा भाई था, ये स्पीकर साहब अभी आएगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था कम्युनिकेशन का, उसकी एक मीटिंग भी नहीं होने दी। ये कानून और आईन की बात करते, जब मीटिंग रख देते तो कहते ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि ये मीटिंग नहीं होनी। मरवा साहब, आपको बात इसी टाइप की स्पीचेस हो रही है। माजी को सामने रखकर अपने माजी को सामने रखकर अपने माजी को सामने रखकर आपको कर लेनी चाहिए। और अभी मतलब है कि जो जो भी चीजें अगर कानून आईन और सब कुछ आप बातें करते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर लागू करें, फिर दूसरे से वही आप तवक्को रख सकते हैं। आप अगर गवर्नेंस की बात करते हैं तो आपकी वही हमारी